अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है रियाजुल्ला और आप लोग देख रहे हो पीके टेलीकम्युनिकेशंस। पीके टेलीकम्युनिकेशंस की जानिब से आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हवावे RTN 9.0 पाइप में लॉग इन होने का तरीका सिखाऊंगा कि हवावे RTN 9.0 पाइप में लॉग इन किस तरह किया जाता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, हवावे RTN में लॉगिन होने के लिए आपके साथ तीन चीज़ों का अवेलेबल होना ज़रूरी है, जिसमें पहला नंबर जो आइटम है वो आपका अपना PC लैपटॉप है। इसी तरह दूसरा नंबर जो आइटम है वो आपके PC लैपटॉप में WebLCT सॉफ्टवेयर है। लॉगिन होने से पहले आपके PC लैपटॉप में WebLCT सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। इसी तरह तीसरे नंबर पर जो जिस आइटम की बात की जाए उसका नाम है LAN केबल, जिसको हम RJ45 केबल भी कह सकते हैं, जिसके दोनों तरफ RJ45 कनेक्टर बने हुए होते हैं। अच्छा फ्रेंड, इससे जो अगला स्टेप है इसमें सबसे पहले आप लोगों ने लैन केबल का एक सिरा RTN के NMA/COM पोर्ट पर कनेक्ट करना है। आप उसे RTN के EXT/S1 पोर्ट पर भी लगा सकते हैं। इसी तरह लैन केबल का दूसरा सिरा आपने अपने PC लैपटॉप के RJ45 पोर्ट पर कनेक्ट करना है। दोनों तरफ लैन केबल कनेक्ट करने के बाद इससे जो अगला स्टेप है उसमें आप लोगों को मैं लैपटॉप के स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करता हूँ, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड, ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आ चुका हो। इधर आप लोगों ने इस आइकॉन पर क्लिक करना है। आइकॉन पर राइट क्लिक करने के बाद ओपन नेटवर्क इंश्योरेंस सेंटर खोलना है। इधर इथरनेट पर क्लिक करना है। इथरनेट पर क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4TCP/IP4 पर इधर नीचे वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करने के बाद इधर IP टाइप करना है 129.9.0.49। इस IP को डालने के बाद नीचे सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा। सिर्फ एक बार क्लिक करने से इधर ओके करना है, इधर भी ओके करना है, इधर क्लोज करना है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अभी आपने WebLCT सॉफ्टवेयर कहाँ पर रखा हुआ, WebLCT सॉफ्टवेयर ओपन करें। इधर स्टार्ट WebLCT पर क्लिक करें। स्टार्ट WebLCT पर क्लिक करने के बाद इसका थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोगों को नज़र आएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अभी ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के टाइम में कौन सा पासवर्ड रखा हुआ है। इधर आप लोगों ने इन्हीं सर्च पर क्लिक करना है, एडवांस सर्च पर क्लिक करना है। एडवांस सर्च पर क्लिक करने के बाद इस विंडो में डायरेक्ट आप लोगों ने सर्च करना है, क्योंकि ये बिल्कुल नया RTN है, RTN 9.0.5। इसको आप लोगों ने अलाउ एक्सेस करना है। एंड सर्च करना है, और जब नया RTN हो तो उसी टाइम में आप लोगों ने इस पर राइट क्लिक करके SSL गेटवे सेलेक्ट करना है और इधर एड इन ही करना है। एड इन करने के बाद इस विंडो को क्लोज करना है। अभी इधर आप लोग देख सकते हैं एबनॉर्मल लगा हुआ है, अभी नॉर्मल हो गया है। अभी इसमें आप लॉगिन हो सकते हैं। राइट क्लिक लेके इन लॉगिन कर दें। इधर पासवर्ड आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इंटर करें, ओके कर दें।
इनी एक्सप्लोर अभी ये आप लोग देख सकते हैं विजिबल हो गया है। अच्छा फ्रेंड, तो ये अभी कम्प्लीटली तौर पर लॉग इन हो चुका है। तो ये था एक मुख्तसर सा तरीका आप लोगों को नए RTN 905 में लॉग इन होने का। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसके बाद अगर इसमें कोई अपग्रेडेशन आती हो WebLCT सॉफ्टवेयर में या इसके पासवर्ड चेंजिंग में तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अभी तक तो ये तरीका है लॉग इन करने का, ये बिल्कुल नया RTN है RTN 905। यकीनन आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।